कल रविवार की छुट्टी के बाद में आज सोमवार को मंडी खुली है और कल फिर हनुमान जयंती है तो छुट्टी है, ऐसे में थोड़ी आवक जरूर कम हो रही है क्योंकि शादी ब्याह का सीजन है तो किसान मंडी में कम पहुंच रहे हैं। लेकिन आज जब मंडी खुली है तो हम समझते हैं कि व्यापारियों से कि आज क्या जो स्थिति रही होगी मंडी की और क्या भाव रहा होगा। सर आपसे एक आपसे बात करना चाहेंगे, आज क्या स्थिति है मंडी, क्या कितनी आवक हुई सर? वो बात कर सकते, मेरे को जवाब नहीं दे सकता हूँ सर। आप क्या मेरे से, चलिए कुछ और जो व्यापारी है उनसे 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 बात करते हैं प्रोफेशनल तौर से। सेठ जी तो हमारे साथ नहीं है, आज क्या स्थिति रही सर? हितेश भाई आप बताइए क्या स्थिति है? मार्केट टाइट है। क्या कितना टाइट है? अरे इधर ही पूछो बॉस है। कितना टाइट है? 5 रुपए टाइट है। लेवाली बहुत मजबूत है। चलिए कह रहे हैं कि जो 5 रुपए जो है वो मार्केट टाइट है आज, मतलब भाव में करीब 5 रुपए का उछाल यहाँ नजर आ रहा है। तो जो शादी विवाह सीजन है उससे कम आवक हो रही है, उसकी वजह से थोड़ा सा उछाल है। लेकिन डिमांड उतनी ही है और आवक थोड़ी कम हो गई है, तो जो थोड़ा सा उछाल कम नजर आ रहा है। हमारे साथ में सर आज क्या आवक रही होगी? आवक है सर लगभग 15,000 बोरी है। अभी पहले के मुकाबले में थोड़ा घटा है आवक, लेकिन भाव में और तेजी है। ऊपर में आज कुछ 30,000 के आसपास बिका है, तो आने वाले समय में और तेजी की संभावना है। तो ये 30,000 जो है किस टाइप का बिका है, क्या ऊटी है या देसी? नहीं, एक ऊटी का लाट बिका है 30,000 देसी, ऊपर मेरे हिसाब से 25,500 रुपए बिका है डीवी ट्रेडर्स के। हुआ उसका क्या भाव चल रहा होगा? 10,000 के नीचे कोई माल नहीं है सर। 10,000 के नीचे कोई माल? भाव बढ़ने की क्या स्थिति है? सभी लोगों की धारणा ये है कि लगभग 300 रुपए किलो से 400 रुपए किलो बिकेगा एवरेज माल। इतना हो जाएगा सर? कारण कुछ कारण सर, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक भविष्यवाणी होती है जिस पर लगभग क्षेत्र के सभी किसान विश्वास करते हैं। वहाँ किसानों वहाँ के भविष्यवाणी के मुताबिक लहसुन 500 रुपए किलो बिकेगा इस साल। चलिए तो जो व्यापारी है वो भी जो है वो इनका कहना है कि जो पास में गोटला माता है उसकी भविष्यवाणी जो होती है उस पर अधिकतर किसान और व्यापारी भी विश्वास करते हैं। तो जो गोटला माता ने भविष्यवाणी की है कि इस बार लहसुन में जो है तूफानी तेजी रहेगी, इस वजह से व्यापारी भी सोच रहे हैं कि तूफानी तेजी रहेगी। और खास बात यह है कि कुछ व्यापारियों से हमने बात भी की थी तो कुछ लोगों ने अपना जो लहसुन का है उसको रोक दिया है, क्योंकि जिस तरह भविष्यवाणी हुई है और जो बाजार की स्थिति नजर आ रही है कि आगे भविष्य में जो लहसुन में उसमें तेजी आएगी, तो हो सकता है कि आगे तेजी आए। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ न्यूनतम में 10,000 रुपए की कीमत में लहसुन मंसूर मंडी के अंदर बिका है। मार्केट टाइम्स टीवी के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा।